पब्लिक टीवी आपकी आवाज के जो प्रत्याशी हैं हमारे मेयर प्रत्याशी भाई रिजवान कुरैशी साहब आप सबके बीच में मौजूद हैं और बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं ये वाला। हमारे यहाँ पे माइनॉरिटी के चेयरमैन शाहनवाज आलम जी, विधायक जी कुरैशी साहब, हमारे विनोद गुंबर जी, हमारे विधायक फूल कुंवर जी, हमारी सुखराज जी, गुप्ता जी, सभी हमारे कांग्रेस यहाँ पहुँचे हैं। असद मौलाई साहब और इसलिए पहुँचे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में आज मुरादाबाद सीट सबसे मजबूत तौर पे कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। आप लोग जानते हैं कि अभी चुनाव का माहौल गर्म है और जिस तरह से चुनाव की परिस्थितियाँ अनफोल्ड हुई हैं, सामने आई हैं, उसमें बात सामने आ रही है कि कांग्रेस पार्टी मुरादाबाद से मेयर का चुनाव जीतने जा रही है। और हमने इसके लिए सर्वे भी कराया इंटरनल पिछले 5 दिन में, तो हमें भी बात पता चली कि कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। तो किसी प्रकार की कोई कोताही ना बरती जाए, हमारे प्रदेश के चेयरमैन, शहर अध्यक्ष, मेयर प्रत्याशी, सभी प्रत्याशियों से सबसे हम लोग बैठ के बातचीत की है कि भाजपा की आप जीतने वाले हैं, भाजपा आपको उकसाएगी, हमें किसी तरह से संयम नहीं खोना है, सबको मजबूती से पूरी शालीनता चुनाव लड़ना है और इस बार मेयर भी हम जीतेंगे और पार्षद भी हम जीतेंगे। पूरी जनता में एक लहर है, 70 में कम से कम 40% कांग्रेस पार्टी जीतेगी। लगातार जब पिछली बार तीन दिनों से भाजपा की सीटें आ रही है, अब क्या मानते हैं आप? देखिए, पिछली बार कांग्रेस पार्टी मेयर के चुनाव में दूसरे नंबर पर आई थी, महज 12-13 हज़ार वोटों से हम चुनाव हारे थे और इस बार जनता ने मन ठान लिया कि इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना। इस बार भाई रिजवान कुरैशी जी को मुरादाबाद का मेयर बनाया जनता ने ठान लिया है। और साथ ही साथ जहाँ सपा का सवाल है, तो दिन भर दिन अखिलेश यादव जी की जो विश्वसनीयता है, जो बिलेबिलिटी है, जो क्रेडिबिलिटी, वो घटती जा रही है। जनता समझ गई यदि कोई वाकई में देश में अकलियत की, दलितों की, मजदूरों की, किसानों की, माइनॉरिटी की लड़ाई लड़ रहा है, तो राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है। और इसलिए पूरी जनता एक साथ आके पूरे मुरादाबाद में पूरा एक त्यौहार का माहौल है रिजवान कुरैशी जी के पक्ष में। तुम्हारा पूरा संगठन एक साथ है और मैं खुद प्रभारी होने के नाते पश्चिम उत्तर प्रदेश का, मेरे प्रभार क्षेत्र की सीट है, मैं खुद चुनाव तक मुरादाबाद में बना रहूँगा ताकि किसी तरह की भाजपा खुराफात ना कर पाए और किसी तरह का भ्रम ना फैलाए। और कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर मुरादाबाद की सीट जीतने जा रही है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।